पहला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो ऑप्शन ए है राज्यसभा, बी विधानसभा, सी लोकसभा और डी मंत्रिपरिषद। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना, यहां पे अनुमति लिखा हुआ है, अनुमति है कि बिना उसकी 60 जो है लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा, वह सदस्य था? ऑप्शन देखते हैं, ए है राज्यसभा, बी है पंजाब विधानसभा, सी है राजस्थान विधानसभा और डी लोकसभा का। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब लोकसभा का। अगला है तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय में, बी सर्वोच्च न्यायालय में, सी है जनपद तथा सत्र न्यायालय में और डी उपरोक्त सभी में। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब सर्वोच्च न्यायालय में। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो इसका उत्तर से पहले हम ऑप्शन देखते हैं और इसमें से सही उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। आप गेस करिएगा, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132 जो कि ऑप्शन बी है, अनुच्छेद सी 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब अनुच्छेद 134 यानी 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। अगला देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है कृषि उत्पादन को बढ़ाना, बी रोजगार बढ़ाना, सी लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना और डी है लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो कि दिया हुआ है ऑप्शन सी में, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। अगला देखते हैं, छठा है, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए है बेरोजगार व्यक्तियों से, बी है किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना, ऑप्शन सी है ग्रहणियों में बेरोजगारी से और डी है 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं उसमें अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। ठीक है, सातवां देखते हैं, सातवां है लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है? तो ऑप्शन देखते हैं, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, ऑप्शन बी है सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, ठीक है, और ऑप्शन डी है राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ठीक है, आठवां नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक अवस्थापना नहीं है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ए कोयले की खाने, बी है स्वच्छता सुविधाएं, सी है विद्यालय और डी है सड़कें तथा रेल। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कोयले की खाने। नवा नंबर देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतीकरण के पश्चात, ऑप्शन बी है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतीकरण के पूर्व और ऑप्शन सी है वित्त विधेयक के प्रस्तुतीकरण के पश्चात और डी उसका बजट के प्रस्तुतीकरण से कोई संबंध नहीं होता।
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतीकरण के पूर्व। ठीक है, अगला देखते हैं दसवां प्रश्न। भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार किसको है? तो ऑप्शन ए है योजना आयोग को, या बी है संघीय मंत्रिमंडल को, या सी राष्ट्रीय विकास परिषद को, या फिर डी संसद को। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद को। ठीक है, ग्यारहवां है सिडबी। सिडबी की स्थापना की गई, ऑप्शन ए कुटीर उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए, या बी लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए, या सी बृहद स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, या फिर डी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्त प्रदान करने हेतु। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। बारहवां देखते हैं वाणिज्य प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए साख का स्रोत है? ऑप्शन ए वाणिज्य बैंक, ऑप्शन बी कॉरपोरेट निगम उद्योग, और सी लघु उद्योग, और डी विदेशी बैंक। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी मतलब लघु उद्योग। ये भी हो गया। तेरहवां देखते हैं निम्नांकित में से कौन सी तेल रिफाइनरी निजी क्षेत्र में है? ऑप्शन ए दिग्बोई तेल रिफाइनरी, या फिर बी बरौनी तेल रिफाइनरी, या फिर सी नूनमती तेल रिफाइनरी, या फिर डी मथुरा तेल रिफाइनरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सी मतलब नूनमती तेल रिफाइनरी। 14 देखते हैं केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध है? ऑप्शन ए व्यापार से, बी बैंकिंग से, सी विदेशी निवेश से, और डी करों से। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी करों से, टैक्सेस से। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है। तो ऑप्शन ए है अनुपातिक कोष प्रणाली पर, बी न्यूनतम कोष प्रणाली पर, सी स्थिर विनिमय दर प्रणाली पर, या फिर डी पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली पर। इसका उत्तर है ऑप्शन बी न्यूनतम कोष प्रणाली पर। 16 है यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाएं तो वास्तविक आय, ऑप्शन ए दुगनी हो जाएगी, या फिर बी आधी रह जाएगी, या सी अपरिवर्तित रहेगी, या फिर डी कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगी। 17 है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है आयकर विभाजन, बी है उत्पाद शुल्क का विभाजन, सी है सहायतार्थ अनुदान निर्धारण, या फिर डी है व्यापार कर का विभाजन। इसका उत्तर है ऑप्शन डी व्यापार कर का विभाजन। 18 है गिल्ट आधारित बाजार के मायने क्या है? ऑप्शन ए सर्राफा बाजार, बी सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, या फिर सी है शस्त्र बाजार, या फिर डी है धातु बाजार। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। अगला है 19 भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना बढ़ावा देना है, क्या है? ऑप्शन देखते हैं ए है वैश्वीकरण की नीति को, बी है उदारीकरण की नीति को, सी है निजीकरण की नीति को, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। 20 नंबर प्रश्न है धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है? ऑप्शन ए अपकेंद्रीकरण, बी अपोहन, सी उत्क्रम परासरण, या फिर डी विसरण। इसका आंसर है ऑप्शन ए अपकेंद्रीकरण। 21 देखते हैं वाटर जेट टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है किसमें होता है? सिंचाई में, या फिर बी ऑप्शन जो है अग्निशमन में, या फिर सी भीड़ पर काबू पाने में, या फिर डी खाद्यान्नों के वेधन में।
तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, खाद्यान्नों को वेधन में। 22वां है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली रत्ती किसके बीजों से प्राप्त होती है? तो इसके ऑप्शन है अनावृत बीजी पादप से, ऑप्शन बी आवृत बीजी पादप से, या फिर सी शैवाल से, या फिर डी कवक से। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अनावृत बीजी पादप से। 23वां है, टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर एफ एस स्वामीनाथन, बी है डॉक्टर अनिल अग्रवाल, सी है डॉक्टर वंदना शर्मा, और डी है डॉक्टर जी सी पांडे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर वंदना शर्मा। 24वां है, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? ऑप्शन ए गुग्गल, बी रोशा घास, सी रतनजोत, और डी जावा घास। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रतनजोत। ठीक है, 25 अब आ गए, अब क्योंकि भाई इसी प्रश्न के साथ आज का ये भाग समाप्त होता है, तो पढ़ते हैं अब इसको और याद करने की कोशिश करते हैं। किस भारतीय नगर में पहला डायनोसोरियम खोला गया? ऑप्शन ए मुंबई में, बी है जालंधर में, सी है हैदराबाद में, और डी है अहमदाबाद में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अहमदाबाद में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे अच्छे से मन से देखा होगा, पढ़ा होगा, याद किया होगा। बस जो भी आप देखिए, पढ़िए, सुनिए, अच्छे से करिए, मन से बिल्कुल पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करके करिए। ठीक है, तो बस आज के इस प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में।